अब हम लोग इसके देखने लगे आर्टेरियल सप्लाई। अगर हम सबसे पहले देखें ना कि हमारे पास ये थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा, अगर ये हमारे पास लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और ये हमारे पास है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे पास जो थ्री मेन ब्रांचेज आती है ना, वो एक है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन और ये हमारे पास आती है ब्रेकियस वैली की। बहुत छोटी सी बनी आगे से, डायरेक्ट मैंने इसकी ब्रांचेज निकाल दी हैं। अभी ब्रेकियस वैली की हमारे आगे से आ गई सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड। ये राइट साइड के तो राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड और ये लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि हमारे पास कैसे ये आर्टरीज यहाँ से निकल रही हैं, तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से हमारे पास निकलती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी यहाँ से निकली, ये इसकी इंटीरियर ब्रांच थी और ये इसने यहाँ पे इसको पोस्टीरियर ब्रांच दी, ठीक है। ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी, ये इसकी एंटीरियर ब्रांच, ये इसकी पोस्टीरियर ब्रांच। अब क्या होता है, हमारे पास ये सबक्लेवियन आर्टरी से भी ब्रांच निकलती है। ये हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, इधर से हमारे पास थ्री ब्रांचेस निकलती हैं। जो थर्ड वाली है ना, ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है और ये लोअर साइड से हमारे पास इस थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करता है, ठीक है। ये हमारे पास आर्टरी। एक हमारे पास ऐसी ब्रांच है जो हमारे पास ये देखो ब्रेकियस वैली ट्रंक या तो आर्च ऑफ एओर्टा से डायरेक्ट सप्लाई करती है हमारे पास इसको थायराइड ग्लैंड को। इसको हम लोग कहते हैं या तो लोएस्ट पार्ट ऑफ द थायराइड आर्टरी या तो लोएस्ट आर्टरी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, या तो हम लोग इसको कहते हैं थायरोइडियमो इडिया इमो आर्टरी, ठीक है। ये हमारे पास अगर नाम देख लें, आर्च ऑफ एओर्टा, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ये थी हमारे पास ब्रेकियस वैलिक, राइट सबक्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड, इसकी ये लेफ्ट सॉरी राइट ही राइट इंटरनल कैरोटिड कॉमन कैरोटिड की, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड, ये इसकी लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड और ये लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड, ठीक हो गया। आगे से हमारे पास आई सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, और ये उसकी इंटीरियर ब्रांच पोस्टीरियर ब्रांच। ये हमारे पास आ गई इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ये हमारे पास आ गई, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ कि आप लोगों को समझ आते, थायरो इडिया एमो आर्टरी, ठीक है। ये हमारे पास हो गई आर्टरीज। अब अगर हम लोग देखें ना इसकी नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले ये हमने राइट साइड पे सारी आर्टीरियल सप्लाई बना ली, सॉरी लेफ्ट पे, अब हम राइट साइड पे नर्व सप्लाई बना लेंगे इसकी कि सब आसानी हो जाए समझने में। सबसे पहले हमारे ऊपर यहाँ से आती है वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व ने हमारे पास दी है सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच, जो सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच देते हैं जो हमारे पास डिवाइड हो जाती हैं टू में। ये हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक इंटरनल लेरेंजियल ब्रांच, एक हमारे पास हो जाती है एक्सटर्नल जो इसको सुपीरियरली सप्लाई करती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास वेगस नर्व थी, वेगस नर्व दे दी सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच जो हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई इंटरनल और एक्सटर्नल ने। फिर हमारे पास वेगस नर्व डाउनवर्ड मूव करती जाती है, नीचे मूव की और इसने यहाँ पे जाके हमें कौन सी ब्रांच दे दी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब इसके नेम लिख देती हूँ, वेगस नर्व आ रही थी, इसने कौन सी आगे से ब्रांच दी, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, उसने आगे से दी इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर ये डाउनवर्ड मूव करती गई और इसने यहाँ पे दी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये हमारे पास होगी ब्लड सप्लाई और मतलब आर्टीरियल सप्लाई और इसकी नर्व सप्लाई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई थायराइड डेक्टमी करनी है, कि हमने थायराइड ग्लैंड रिमूव करना है, तो हमारे पास क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जब रिमूव करना है ना, अगर हम लोग ये कर दें कि ये जो हमारे पास आर्टरी है कौन सी है, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इसको हम यहाँ से कट कर दें और ऊपर टाई कर दें, ऊपर इसके साथ बांध दें, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ऑन बोथ साइड्स, दो चारों साइड से बनाएंगे ना, हमने तो एक साइड पर आर्टीरियल सप्लाई बनाई है, एक साइड पर नर्व सप्लाई बनाई है, इस साइड से कट करके इसको ऊपर बांध दें, और अगर हम लोग नर्व देखें फिर ये भी इसको भी यहाँ से कट कर देंगे, ये भी तो आर्टरी है ना, इसको यहाँ से कट करके ऊपर बांध दिया, और अगर हम लोग नर्व्स को भी साथ ही एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को भी इनके साथ, इस साइड से भी नर्व आ रही है ना, समझो ये मैंने नर्व बना दिया, इसको भी यहाँ से साथ ही कट करके ऊपर टाई कर दें, इधर साइड की भी नर्व को अगर साथ ही कट करके ऊपर टाई कर दें और थायराइडेक्टमी कर लें, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर लें, तो क्या होता है, ये जो हमारे पास है ना एक्सटर्नल सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ब्रांच है, और ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये जो दोनों होती हैं ना, ये हमारे पास सप्लाई करती हैं इंट्रिंसिक
मसल ऑफ लेरिंग्स को। ठीक है, अब हमें बात समझ आएगी कि ये जो दोनों है ना, ये नर्व्स ये हमारे पास सप्लाई करती हैं। नीचे हमारे पास इसके लेरिंग्स पड़ा होगा ना, तो लेरिंग्स को सप्लाई करेंगी उसके एक्सट्रिंसिक मसल्स को, ये दोनों एक्सटर्नल वाली और ये रिकरेंट वाली। अगर जब हमने इनको टाई कर दिया है, आर्टरीज के साथ ही टाई कर दिया कट करके, तो क्या होगा, जब हमारे पास थायरॉइडेक्टमी कर दिया तो पेशेंट जब घर जाएंगे तो उन्हें जाके बोलने में प्रॉब्लम होगी। जब बोलने में प्रॉब्लम होगी ना, तो ही हमने उसी को अवॉइड करना है कि सिर्फ थायरॉइडेक्टमी की है। हमने एक पता क्या करना है, बहुत एहतियात से सिर्फ ये आर्टरी को कट लगा के सिर्फ आर्टरी के ऊपर टाई करना है, नर्व्स को कुछ नहीं करना, कि हमारे पास वोकल कोर्ड्स को प्रॉब्लम हो और लिरिक्स के अंदर जो वोकल कोर्ड्स पड़े हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फिर हमने हर तरफ की आर्टरी को कट करके टाई कर देना है, इसकी ब्लड सप्लाई रोक देनी है, पर ये जो सी है ना नर्व्स को, इनको नहीं रोकना। अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे नाम मैं लिख देती हूँ, कौन सी दो सप्लाई कर रही हैं, एक्सटर्नल सुपीरियर, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, और यहाँ पे हमारे पास आ गई रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक हो गया, ये हमने इसकी पढ़ ली है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी साथ में। अब अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ना, कैसे हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी हमने पढ़ी, और ये किसके साथ होती है, इसके साथ ऊपर हमारे पास थी एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व थी। ठीक है, और ये हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी की कौन सी दो ब्रांचेस थी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस थी, और ये हमारे पास अपर पार्ट में होती हैं, एंटीरियर ब्रांच में होती हैं, और किसकी ब्रांच थी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। पढ़ेंगे सारा का सारा वही लिखा हुआ है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी थी हमारे पास बेस पे होती है, और हमारे पास जो सी थी नीचे वाली लोएस्ट आर्टरी, वो हमारे पास सिर्फ 3% ऑफ द पीपल्स में होती है, पता नहीं मैंने वहाँ पे बताया था कि नहीं, और इसको हम लोग कहते हैं थायरोइडिया इमा आर्टरी। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ से राइज होती है, तो ब्रेकियस वाले ट्रंक से, या तो डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ द एओर्टा से। ठीक है, लोअर पास ऑफ द इसमें से चली जाती है, और हमारे पास कुछ और भी ब्रांचेज होती हैं जिसको सप्लाई करती हैं। वेनस ड्रेनेज हमारे पास सेम आर्टरीज के नेम पे होती हैं, ये पहली जो सी दो होती हैं हमारे पास जाती हैं इन द इंटरनल जुगुलर वेन में, और जो हमारे पास ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है जिसने नीचे से उसको सप्लाई करना है, इन्फीरियर पार्ट को, हमारे पास एंटर होती है, ड्रेन होती है लेफ्ट ब्रेकियस वैलिक वेन में। अब अगर हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें, तो अपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड जो होता है ना, वो हमारे पास अपने लिम्फ नोड्स देता है इन द अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में, लोअर पार्ट इन द डीप लोअर डीप सर्वाइकल नोड्स, और ऑल्सो द प्रीट्रेकियल एंड द पैराट्रेकियल नोड्स। ये बहुत आसानी इसमें हमने कर लिया। अब हमारे पास एक सिचुएशन आती है कि अगर हमारे पास इस ग्लैंड में कोई ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, कोई ट्यूमर बन रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ग्लैंड क्या है कि हमारे पास क्या कर देता है, नियर बाय ऑर्गन्स को कंप्रेस करना शुरू कर देता है। नियर बाय ऑर्गन्स को कंप्रेस करता है, तो इसके पास हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इसके पास ट्रेकिया पड़ा होता है, नीचे लिरिंग्स पड़ा हुआ है, कैरोटिड शीट पड़ी हुई है, तो इनको कंप्रेस करना शुरू कर देता है। जब इनको कंप्रेस करता है, जैसे नीचे से ट्रेकिया के भी पीछे हमारे पास इसोफेगस पड़ी हुई है, अगर उसको कंप्रेस करेगा तो हमारे पास खाने में प्रॉब्लम होगा, अगर लिरिंग्स को करता है तो हमारे पास बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये डिस्पोनिया डिसनिया और डिस्फेजिया वगैरह प्रॉब्लम्स कॉज करवाता है। इसमें हमारे पास क्लिनिकल्स हमने देख लिया, हमारे पास थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया, एनी क्वेरी यू कैन आस्क।